आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की सौगात देंगे। करीब 22 किलोमीटर लंबे जिस अटल सेतु का पीएम आज उद्घाटन करने वाले हैं, वो भारत का सबसे लंबा पुल होने जा रहा है। तो आज नासिक में पीएम मोदी 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम का रोड शो भी होगा, जिसके बाद पीएम नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो नवी मुंबई के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। महाराष्ट्र को पीएम मोदी की सबसे बड़ी सौगात। चुनाव से पहले सबसे लंबे पुल का तोहफा। अटल के नाम 22 किलोमीटर का पुल। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार और तेज होने वाली है, क्योंकि आज पीएम मोदी मुंबई को समंदर पर बने सबसे लंबे पुल की सौगात देने वाले हैं। MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अब आज से इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। खास बात यह है कि इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और अपने वादे के मुताबिक आज पीएम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जो सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो आज 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो आज ये 15 मिनट में लोग पहुँचेंगे। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और इससे ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये रायगढ़, नवी मुंबई और मुंबई को कनेक्ट करेगा, बहुत ही नज़दीक लाएगा। ये बिजनेस के माध्यम से, लोगों को यातायात के माध्यम से बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और वो उसका इनॉग्रेशन, उनका शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। सर, अटल सेतु, अटल सेतु जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हम अटल सेतु उसका नाम रखा है और निश्चित रूप से ये जनता के लिए वरदान साबित हो। शहरी ट्रैफिक को स्मूथ करने, परिवहन के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम मोदी नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। अटल सेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक सूत्र में जोड़ने वाला है। 6 लेन वाले इस ब्रिज पर हर रोज 70,000 से ज्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक चल सकता है। पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा फर्राटा रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी, जिसे घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। करीब 22 किलोमीटर लंबे पुल से दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी तय करने में महज 15 से 20 मिनट लगेंगे। इससे करीब 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बचेगा। इतना ही नहीं, एक आकलन के मुताबिक हर गाड़ी से करीब 300 रुपए का ईंधन बचेगा। इस पुल को बनाने में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। 6 लेन के अलावा इसमें दोनों तरफ एक एक एग्जिट लाइन का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही ये पुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 CCTV कैमरे से लैस है। देश के सबसे बड़े, सबसे लंबे समुद्र पुल पर हम मौजूद हैं, जिसका नाम अटल सेतु है। इसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इसकी पूरी लागत की अगर बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए की पूरी लागत जो है वो लगी हुई है और ये नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है। और सबसे खास बात ये है कि जहाँ पर 3 घंटे का लंबा वक्त पूरी यात्रा के लिए लगता था, वो अब घटकर 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। मुंबई की रफ्तार को और गति देने वाले इस पुल की लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर करीब 5.5 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इस पुल के बन जाने से मुंबई और नवी मुंबई के बाद अब तीसरी मुंबई बनाने की राह भी आसान हो जाएगी। इस अटल सेतु की अगर खास बात करें तो ये ऐसा ब्रिज है जिसमें एक OST टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जितने भी शिप्स इसके नीचे से गुजरेंगी उन शिप्स में जो लोहा है वो मैग्नेट यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। जैपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी अगर आप देखें तो ये पूरा समुद्र के ऊपर का एरिया जो है वो 16 किलोमीटर का है, बाकी जो पार्ट है वो 5.5 किलोमीटर का, यानी कि पूरा 22 किलोमीटर का इस विशाल ब्रिज को बनाया गया है। लागत 20,000 करोड़ की है और तीसरी मुंबई इससे तैयार होने की बात की जा रही है।
अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल तो है ही, ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा समंदर पर बना पुल भी है, जो 17,840 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। अटल सेतु न सिर्फ दो बड़े शहरों को करीब लाएगा, बल्कि अपनी बेहतरीन बनावट, समुद्री सुंदरता और विदेशी फ्लेमिंगो के कारण मुंबई कारों के सफर को रोमांचित और खूबसूरत भी बनाएगा। सारे एक्सपर्ट जो है इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इस पे लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुंदर में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आसपास दोनों हिस्सों में समुद्र ही समुद्र है और नवी मुंबई मुंबई दोनों को ये जोड़ता है। साथ ही फ्लेमिंगोस के लिए काफ़ी जाना जाता है ये इलाका, और उनके लिए भी खास तौर पर जो जगह है वो क्लियर रखी गई है कि किसी तरह का नॉइस पोल्यूशन और मड पोल्यूशन ना हो, ताकि फ्लेमिंगोस जो है वो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट यानी कि एक चेरी ऑन द केक का जो एक विजुअल है वो यहाँ पर दे। और 22 किलोमीटर लंबे इस अटल सेतु की खास बात यह है कि तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जैपनीज कंपनीज के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। आज पीएम मोदी मुंबई में बने इस शानदार सेतु के उद्घाटन के साथ ही